लड़की बोले तो इस आप सामने है दो तीन फूल डाल दीजिए राइट हैंड राइट हैंड ठीक है जिसकी पुष्पांजलि हो गया आप बैठ जाएंगे जय राधा माता गाली फ्रॉम दिस साइड हां जाओ हरे कृष्णा। तो जिन जिनका पुष्पांजलि हो गया है आप लोग बैठ जाइए शांति से। और सब लोग मोबाइल जो है साइलेंट मोड में रख लीजिए ताकि ये डिस्टर्बेंस ना करें।
हरे कृष्णा। तो आप लोग जो श्री रुक्मिणीदार का इस मंदिर के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, तो डिपार्टेड सोल सुदेश बख्शी जी की शांति पटल उपलक्ष्य में, तो उनकी परिवार के तरह से ये शांति सभा आयोजन किया गया है, जो सुदेश जी वाइफ ऑफ सूरज प्रकाश जी और उनकी जो सन्स है मनीष बख्शी, दीपक बख्शी, विक्रम बख्शी जी और उनके जो डटिल जो है शिल्पा जी, मधुलिका जी, नरती जी और उनकी जो ग्रैंड सन्स जो है उदेश, भूमिका एंड वीर जी, तो उनकी परिवार के तरह से ये शांति सभा की आयोजन किया गया है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, अगर आपने शास्त्र के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति को हम कितना भी प्रयास करेंगे, खासतौर से इस कलयुग में, उसको हमारे प्रयास से उनको उनकी जो आत्मा को सदगति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ये शास्त्र में सिद्धांत है। क्योंकि अगर आपने शास्त्र के हिसाब से जाएंगे, अगर भागवत पुराण के हिसाब से जाएंगे, जितने सारे पुराण से एमंग ऑल द पुराण श्रीमद् भागवतम इज द टॉप मोस्ट पुराण, इसके अंदर वर्णन किया गया है द फाइव फिफ्थ कैंटो पंचमी स्कंद भागवत में वर्णन आता है, तो 28 प्रकार की नरक के बारे में वर्णन किया जाता है। इसमें आप कुंभिपाक नरक हो, रौरव हो, बहुत सारे नरक के बारे में वर्णन किया जा रहा है, और उनमें एक नरक है पुत। पुत जो नरक है, जो पुत ना नरक से माता पिता को तारण कर सकता है वो सही पुत्र है, उसको पुत्र कहने का लायक है, नहीं तो पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से निकलता है। अगर पुत्र हो, अगर माता पिता को तारण कर सकता है तो वो सही मायने में वो पुत्र है। तो वो पुत्र क्या करते हैं, माता पिता को धार्मिक स्थल में लेके जाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, साल में एक बार हो, महीने में एक बार हो, धार्मिक स्थल में लेके जाते, कीर्तन सुनाते, कथा सुनाते, प्रभु के दरबार में प्रभु जी की दर्शन कराते हैं, इसकी माध्यम से हो सकता है, क्योंकि ये सारे भगवत प्रमाण है। हम आगे चर्चा करेंगे उसको विस्तार रूप से, पहले हम हरि की नाम के माध्यम से शुरू करते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। अगला हो सकता है तो आप लोग मेरे बात गा सकते हैं, मैं जो गाऊँगा आप लोग गा सकते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जशोदनंदन व्रज जन रंजन, जशोदनंदन व्रज जन रंजन, जशोदनंदन व्रज जन रंजन, जशोदनंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय
गिरिवर धरे, जय गिरिवर धरे। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तेरा बनचारी, जमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सब लोग गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब लोग आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
जय जय राधा रमण हरि भो, 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 जय जय राधा हरि भो, जय जय राधा रमण हरि भो, हरि बोल हरि भो, हरि बोल हरि भो, हरि भो, हरि बोल हरि भो, हरि भो, हरि बोल हरि भो, हरि भो, जय जय राधा रमण 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 हरि भो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश गौर निताय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन निताय गौर, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, मथुरा वृंदावन धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, तुलसी महारानी की जय, ताई गौर प्रेमानंदी। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको नमन करते हुए, तो आज जो आप लोग एकत्रित हुए हैं सुदेश भक्ति जी की जो शांति पाठ उपलक्ष में, तो इस्कन द्वारका के रुक्मिणी द्वारकाधीश के प्रांगण में, इस आप सबको बहुत बहुत नमन है। तो मैं बता रहा था शास्त्र के हिसाब से कोई अगर व्यक्ति शरीर छूटता है तो शास्त्र के हिसाब से 13 दिन तक आत्मा यहाँ पे भटकता रहता है, संसार में भटकता रहता है 13 डेज। साइंस की प्रमाण भी है, साइंटिफिक रीजंस भी है और आध्यात्मिक शास्त्र की जो स्क्रिप्चर में वर्णन भी है इसका। तो इसलिए इसकी उद्धार के लिए, उसकी उच्च गति के लिए, हाउ द डिपार्टेड सोल विल गेट द शेल्टर ऑन द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, इस कैसे प्राप्त होगा, भगवान की चरण कमल में कैसे ये जो हमसे जो बिछड़ा हुआ आत्मा कैसे भगवान की चरण में विलीन होगा, इसकी जो प्रक्रियाएं शास्त्र में वर्णन है। अगर आपने शास्त्र में देखेंगे 18 पुराण के बीच में एक पुराण है स्कंद पुराण, इस स्कंद पुराण में भागवत महिमा में भागवत की ऑन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ श्रीमद् भागवत अंश वन टॉपिक इज देयर, एक टॉपिक है तो भागवतम की ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, उसमें ग्लोरिफिकेशन में भागवत की गुणगान हो रहा है, उसके अंदर वर्णन आता है कैसे के
व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति कैसे शांत होगा और प्रभु की चरण में कैसे विलीन होगा, उसकी प्रमाण आता है। तो प्रमाण इस तरह से आता है, तो बोला जाता है आत्मादेव नाम के एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण बड़े धार्मिक था, पूजा पाठ क्या करता था, जजन जाजन पठन पाठन क्या करता था, और वेदों की ज्ञाता था, और जो कुछ ज्ञान था वही ज्ञान को समाज में बांटता था, समाज की उपकार कर क्या करता था। लेकिन ब्राह्मण बड़ी खुद दुखी था। कारण क्या था ना, ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थे, कोई पुत्र नहीं था ब्राह्मण का, जिसके कारण ब्राह्मण दुखी था। तो ब्राह्मण की जो पत्नी थी धुंधली, वो बड़ी क्रूर स्वभाव की थी, कभी उसको सम्मान नहीं करती थी, और ऊपर से संतान भी नहीं है और पत्नी बात नहीं मान रही है, जिसके कारण ब्राह्मण ने क्या किया, एक बार जंगल में भटकते भटकते एक स्थान पर बैठते हुए रोने लगा, उच्च स्वर में रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ को सुनते हुए जंगल में एक संत जा रहे थे, संत आके उनके पास पधारे और उनको पूछने लगे, क्या है ब्राह्मण जी, क्या कारण है आपका रोने का, कारण क्या है। तो ब्राह्मण ने बताया, मैं संसार की सबका मंगल कामना करता हूँ, लेकिन मैं खुद दुखी हूँ, क्या कारण है ना, मेरा कोई पुत्र संतान नहीं है। तो साधु महात्मा ने ब्राह्मण की रोते हुए अवस्था में, उन्होंने एक अपने जो बैग था, पोटली था, पोटली से एक क्या क्या एक फल निकाले, वो फल निकाले, बोले इस फल को लेके तुम क्या करो ना, तुम्हारे पत्नी को दे दो, अगर तुम्हारे पत्नी इस फल को खाएगी तो फिर वो गर्भवती हो जाएगी, 9 महीने के बाद आपके पुत्र संतान होगा। तो ब्राह्मण बड़े खुशी होते हुए वो फल को लेके पत्नी को फल की महिमा बताने लगा। जब बताने लगा, पत्नी बड़ी क्रूर प्रवृत्ति की थी, तो उन्होंने क्या सोचने लगी, अगर ये फल मैं खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, अगर मान लीजिए घर में अगर आग लग गया तो मेरे पेट की भारी के कारण मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, घर में रह के जल के राख हो जाऊंगी, ये सोचने लगी। फिर सोचने लगी, अगर मान लीजिए आग नहीं लगा, अगर गांव में अगर चोर घुस गए, अगर चोर घुस गए हमारे घर में चोर घुस जाएंगे, तो पेट की भारी के कारण मैं तो भाग नहीं पाऊंगी, चोर मुझे मार देगा। ये सारा सोचते हुए वो क्या की, पति के सामने तो फल तो ले ली, वो फल को लेके एक गाय को खिला दिया। लेकिन साधु संत लोगों का जो आशीर्वाद है वो तो होने वाला है, संत ने बोला था इसको अगर जो खाएगा उसका पुत्र संतान तो होगा। ये क्या कि उसी गांव में उनकी बहन की विवाह हुआ था, तो बहन गर्भवती थी, तो बहन को बोलने लगी, तुम्हारा जो बच्चा होने वाला है वो बच्चा तुम दे देना, और तुमको जो भी धन है मैं बहुत सारा धन तुमको दे दूंगी, और पति के सामने मैं पेट में कपड़ा डाल के पति के सामने एक्टिंग करूँगी जे मैं गर्भवती हूँ। तो वही हुआ। तो 9 महीने के बाद क्या हुआ, जो फल गाय को दिया था, गाय से बहुत खूबसूरत एक पुत्र संतान जात हुआ, और गाय से उत्पन्न हुआ, और उनके जो कान लंबे लंबे हुआ, गाय की तरह से कान लंबा लंबा हुआ, जिसके कारण उनके नाम पड़ा गोकर्ण। और वो जो उनकी धुंधली की बहन से जो पुत्र जात हुआ, वो पुत्र लाके उनको आत्मदेव को दिखाया, उसकी नाम पड़ा धुंधुकारी। धुंधुकारी की अगर संस्कृत में नहीं देखा जाए, धुंधुकारी मतलब महाभयंकर क्रोधी। और ये दोनों संतान जब उत्पन्न हुए, दोनों एक साथ बढ़ने लगे। ये जो गोकर्ण था, बचपन से शास्त्र पढ़ना, शास्त्र के प्रति रुचि, जजन जाजन पठन पाठन करना, सारे धार्मिक की प्रवृत्ति में उनकी रुचि बढ़ गया, वही धार्मिक कार्य करने लगा। और यहाँ पे ये जो धुंधली जो लेके आया था, जो बच्चा धुंधुकारी, बचपन से मारना काटना, कोई
आजू बाजू के बच्चे लोग ये मतलब कोई झगड़ा होता था उसको उठा के नदी में फेंक देता था, मार देता था। इतना क्रूर प्रवृत्ति का हुआ, जिसके कारण आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हुए वो गोकर्ण बड़े विद्वान बने, और लेकिन धुंधुकारी जब बड़ा हुआ सबको वही ब्राह्मण के कुछ कार्य नहीं किया, मारना काटना चोरी करना डकैत करना ये से कार्य करने लग गया, जिसके कारण ये आत्मदेव जिस पुत्र के लिए सोच रहे थे लेकिन वो पुत्र जन्म होने के बाद उनको इतना दुख दिया, जिसके कारण तो गोकर्ण ने एक दिन आत्मदेव को बताया जो पुत्र की वजह से आपने इतना प्रयास कर रहे थे वो पुत्र आपको इतना दुख ही कर दिया है, तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, आप इसी समय वन में जाके तपस्या करते हुए आपका शरीर छोड़ दीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ, आत्मदेव उसकी बात सुनते हुए गोकर्ण की बात सुनते हुए जाके जंगल में जाके तपस्या करते हुए शरीर छोड़ दिए, और जो गोकर्ण थे तीर्थ भ्रमण में चले गए। जो धुंधली थी उनकी जो माँ को इतना सताया, आखिर में क्या हुआ, माँ ने अपने आंगन में कुआ था, कुआ में कूद के जान दे दी, और अकेला हो गया घर में, सब कुछ उसके पास आ गया। जब आ गया घर पर सब कुछ हो गया तो क्या किया, 5 वेश्याओं के साथ विवाह किया, विवाह करके घर में रखा। तो वो 5 की भरण पोषण करने के लिए चोरी करता था, डकैत कर रहा था, बहुत कुछ गलत कार्य करने लग गया। एक दिन क्या किया, राजा के घर में चोरी किया, बहुत सारे धन लेके आ गया, तो दारू फरू पी के सो गया। ये 5 पत्नी सोए नहीं थे, वो खुद सो गया। ये 5 पत्नी ने बैठ के आपस में बात की, बोले इसका तो धन कमाने का कोई निर्दिष्ट कोई उपाय नहीं है, ये तो गलत तरीक़े से धन कमा रहा है, और आज राजा के घर में चोरी किया है, कल राजा की सेना लोग आएंगे, पूछताछ करेंगे, अगर हम पकड़ा जाएंगे सबको फांसी हो जाएगा, उसको भी फांसी हो जाएगा, हम लोगों को भी फांसी हो जाएगा, इससे अच्छा अभी सोया हुआ है उसको हम मार देते, मिलके मार देते, जितने सारे धन हम लाए हैं सब बांट के ले जाएंगे। तो वही किए, क्या किए ना, जब धुंधुकारी सोया हुआ था तो जलता हुआ जो खाना बनाए थे, अंगार था, कोयला और अंगार जो था उसको चूल्हा से निकाल के उसके मुंह में डाल दिए, हाथ पैर बांध के उनके मुंह पे डाल दिए, तड़प तड़प के वो मर गया। जब मर गया उसी घर के अंदर 500 पत्नी मिलके मिट्टी खुदाई करके उनको दफना दिए, दफना दे के इसके बाद भाग गए। जब भाग गए ये बात पता चला किसको, ना गोकर्ण को। गोकर्ण तीर्थ यात्रा में थे तो उनको पता चला जो मेरे भाई के देहांत हो गया है, तो फिर उन्होंने क्या किए, तर्पण किए, प्रयाग में जाके तर्पण किए, प्रयाग में तर्पण किए, करने के बाद तो फिर घर में आए। जब घर में आए उसी घर में सोने के लिए जा रहे, रात्र के समय में सोने के लिए जा रहे तो देखे कि फड़फड़ाते हुए कोई उड़ रहा है, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है घर के अंदर, तो उनको लगा कोई तो अशांत आत्मा है, तो फिर कमंडलू से थोड़ा जल लेके छिड़का दिए वो पक्षी के ऊपर, तो तुरंत एक शरीर उनको नजर आया, तड़पता हुआ एक शरीर का नजर आया, तो वो शरीर हाथ जोड़ के बोल रहा है, उनको बोल रहा है, वो आत्मा बोल रहा है कि भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। तो गोकर्ण ने चिंतित हो गए, क्या तेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं तो प्रयाग में जाके तर्पण करके आया, पिंडदान करके आया। तो धुंधुकारी ने बोलने लगा, भैया मैंने इतना सारे पाप किया है, कितना तर्पण करने के बाद भी, पवित्र स्थान में तर्पण करने के बाद भी मेरा उद्धार हो नहीं पाएगा। तब दूसरे दिन तो उन्होंने बोला, हाथ जोड़ के बोला, मेरा उद्धार कर दीजिए। दूसरे दिन उन्होंने गांव के सारे पंडित लोगों को, ब्राह्मण लोगों, विद्वान पंडित लोगों को बुला के पूछने लगे, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भाई की जो अधोगति हो गया है उसकी उद्धार के लिए, प्रभु की चरण में उसकी मति लगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब गांव के सारे विद्वान लोगों ने बोलने लगे, आज की तारीख में आपसे बढ़कर पंडित कौन है, आपने इतना बड़ा पंडित है, सारा वेदज्ञ, इतना बड़ा पंडित है, सारा शास्त्र आपने पढ़े है, सारा वेद आप पढ़े हुए, तो आपसे बढ़कर पंडित और कौन है, आप कुछ विचार करिए। तो फिलहाल ठीक है, दूसरे दिन सूर्य देव को जल देते हुए
प्रार्थना करने लगे गोकर्ण जी, साक्षात सूर्यदेव प्रकट हो गए सामने। तो सूर्यदेव को पूछने लगे मुझे क्या करना चाहिए मेरे भाई के उद्धार के लिए। सूर्यदेव ने उनको बताए, बोले सूर्य नारायण ने बताए आपके भाई के उद्धार के लिए आपको भागवत करना चाहिए, आप भागवत सुनाइए उसको। वो जो अधोगति हो चुका है जो आत्मा का, उसको भागवत सुनाइए, उसकी उद्धार हो जाएगा, उसकी मति जो है प्रभु की चरण में रति हो जाएगा, आप उसको भागवत सुनाइए। तब फिर क्या किए, गांव वाले को सबको बुला के, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं साइंस की सब जानते हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, शरीर दो प्रकार की होती है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। लोग बोलते हैं हम बहुत सारे पाप करेंगे, दंड कौन देता है, दंड किसको मिलता है, शरीर तो ही जल जाएगा, किसको दंड दिया जाएगा। नहीं, दंड जरूर है, अगर दंड नहीं है तो फिर जमराजा क्यों बैठा हुआ है, नरक क्यों है। जैसे आत्मा शरीर छोड़ देता है आखिरी स्टेज में, साइंस बोलता है मन बुद्धि अहंकार और उसके फाइनल डिजायर्स, आखिर समय क्या इच्छा था उसका, उसको लेके वो सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसको जातना शरीर बोलते हैं, वही जातना शरीर को जमराजा उठा के ले जाता है, उसी को दंड देते हैं। जमदूत आते हैं चमड़े की रस्सी फेंकते हुए लेके जाते, किसको लेके जाते हैं, वो जातना शरीर को, मन बुद्धि अहंकार और आखिरी से वो इच्छाएं हैं, इसके साथ जातना शरीर होता है। बाकी हमारा ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं उसी को ही दंड देते हैं। तो बोले ये तो स्थूल शरीर नहीं है, जैसे कि हमारे पास स्थूल शरीर है, हम एक स्थान पर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, ऐसे तो अशांत आत्मा है, कैसे बैठेगा, कथा कैसे सुनेगा वो। जैसे आप लोग शरीर है, स्थूल शरीर है, बैठ के कथा सुन पा रहे, तो फिर क्या किया गोकर्ण जी ने, क्या किया, एक बांबो लाए, उसमें बांस, उसके साथ गांठ था, उसके अंदर मंत्र के उच्चारण के माध्यम से अशांत आत्मा को बैठा दिए, उसको मिट्टी खुदाई करके डाल दिए, उसके बाद कथा सुनाए। जब कथा सुनाए, कथा चलते चलते क्या हुआ, पहला दिन कथा खत्म हो गया, एक जो उनका गांठ था वो फट गया, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा सातवां दिन में संपूर्ण बांसों जो बांबा जो है फट गया। फटने के बाद एक खूबसूरत व्यक्ति प्रकट हो गया, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तो सब लोग के सामने देखते देखते एक वैकुंठ से एक विमान आया, भगवान की दोनों पार्षद नंद और सुनंद, नंद सुनंद एक चमचमा हुआ एक सोने के विमान में आए, उसको लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो गोकर्ण जी ने रोक दिया, बोलो रुको। तो गोकर्ण जी बोले ये क्या पक्षपात है, ये भी कथा सुन रहा था, मैं कथा बोल रहा था, बाकी गांव वाले सब लोग कथा सुन रहे थे, तो अब अकेले कैसे एक विमान लेके उसको लेके जा रहे हो, उसकी उधार हो रहा है, हमारा क्यों नहीं है। तब नंद और सुनंद भगवान के जो पार्षद बताने लगे, कथा तो सब लोग सुन रहे थे, आप तो कथा बता रहे थे, लेकिन जिस तन्मयता और जिस तत्परता के साथ ये सुन रहा था कथा, बाकी कोई नहीं सुन रहे थे, लेकिन आप लोगों का स्टैंडर्ड हो गया, योग्यता हो गया है, ये जो कथा सुनते सुनते आपका योग्यता हो गया है, दोबारा कथा की प्राय तो आपने व्यवस्था करिए और उस कथा को भव्य रूप से करिए, आप लोग अटेंड करिए, दोबारा जब कथा होगा सबके लिए विमान आएगा। तो ये बोलते हुए नंद सुनंद उसको लेके चले गए। कहने का तात्पर्य क्या, ये शास्त्र प्रमाण है, कहने का तात्पर्य क्या है, वो धुंधुकारी इतना पाप किया था उसकी उद्धार हो गया, लेकिन इन्होंने ये धार्मिक व्यक्ति है, ये माता जी धर्म प्राण व्यक्ति है, उसकी उद्धार कथा के माध्यम से और कीर्तन के माध्यम से हम कर पाएंगे। तो इसलिए आप जानते हैं जैसे कि मंदिर के प्रांगण है, सबसे बहुत खूबसूरत मौका है मंदिर के प्रांगण में है, और दूसरी चीज़ क्या है, साक्षात भगवान है। आप देखेंगे जैसे हम कथा से पहले कीर्तन भी किए, विष्णु पुराण में नारद जी एक बार भगवान विष्णु को सवाल पूछे, आप कहाँ रहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ भी मुसीबत होता है, चाहे कीड़े मकड़े हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, आदमी हो, जब भी कोई पुकारता है आपको, आप उसकी उद्धार कर देते हो, आप रहते हैं कहाँ।
तो इस सवाल के जवाब में, नारद जी की सवाल के जवाब में भगवान बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदय सुवा जत्र गायति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद मत सोचो जे मेरा धाम वैकुंठ में मैं निवास करता हूँ, और ये भी मत सोचो जो योगी लोग ने हजार हजार साल तपस्या करते, विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या किया, दुर्वासा ने 40,000 साल तपस्या किया था। तो भगवान बोले ये मत सोचो जो योगी लोग ने हजार हजार साल तपस्या कर रहे तो उनकी हृदय में मैं निवास कर जाता हूँ जाके। तो फिर नाराज जी बोलते, आपके धाम में नहीं रहते हो, योगी की हृदय में नहीं रहते हो, फिर रहते हो कहाँ? तो भगवान बोलते, जत्र गायति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ पे मेरे भक्त मेरे कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते, मैं उसी स्थान पर निवास करता हूँ। कहने का तात्पर्य कि भगवान यहाँ पे है ऑलरेडी, हम लोग इसलिए कीर्तन किए, भगवान है यहाँ पे। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली है, ये कथा कीर्तन के माध्यम से माता जी की, सुदेश जी की हम उद्धार कर रहे हैं। तो ये शास्त्र के प्रमाण है। आप देखेंगे हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य रहता है। आप देखेंगे, एक बार एक स्टोरी में बोलता हूँ, एक बार लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में बैठे हुए थे। चार व्यक्ति एक मरा हुआ व्यक्ति को कंधे में लेके जा रहे थे और क्या बोल रहे थे, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। आप सोचिए, अगर राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, जब ये बंदा जिंदा था क्यों नहीं सुना रहे थे? क्या संसार की क्या विडंबना है, जब व्यक्ति जीवित रहता है हम नहीं सुनाते। ठीक है, ये सुनाते हुए स्मशान घाट को लेके जा रहे थे चारों लोग, एक मरा हुआ व्यक्ति को लेके जा रहे थे कंधे पे। तो लक्ष्मी और नारायण ऊपर से देख रहे थे, लक्ष्मी चिल्ला चिल्ला के हंसने लगी। तो भगवान ने बोले, भगवान तो अंतर्जामी है, उनको पता चल गया जी लक्ष्मी अहंकार के वशीभूत होते हुए हंस रही है। तो लक्ष्मी हंसने लगी, तो भगवान ने पूछे, क्यों हंस रहे हो लक्ष्मी? ना देखो ये लोग कितने मूर्ख है, बोल रहे आपका नाम सत्य है, बोल रहे नाम हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोल रहे आपका नाम सत्य है, ऐसा जादू डालूंगी ये लोग सब भूल जाएंगे, इस अभी कुछ ही पल में सब कुछ भूल जाएंगे, मेरे पीछे भागेंगे। तो मेरे पीछे भागे मतलब लक्ष्मी धन की देवी है ना, तो लक्ष्मी बताने लगी जे संपूर्ण जो समाज जो है धन के पीछे भाग रहे, मेरे पीछे ही भाग रहे, और ये लोग आपका नाम ले रहे, ये गलत है। तो फिर भगवान ने बोले, अच्छा, तो भगवान उसको अहंकार को चखना शुरू करने के लिए भगवान ने बोले, ठीक है कुछ करके दिखाओ। अभी देखो लक्ष्मी ने क्या की, ऊपर से सोने के सिक्के की बरसात करने लगी, जैसे बरसात होता है ना उस तरह से सोने की सिक्का टपकने लगा। तो ये चारों लोग क्या किए, मरा हुआ व्यक्ति को साइड में फेंक दिए, बटोरने लगे, भागने लगे, इधर उधर भागने लगे, किसको कितना सिक्का मिलेगा। तो सब लोग इकट्ठा करने लग गए और चिल्ला चिल्ला के लक्ष्मी ने क्या किया, हंसने लगी। तो बोलने लगी, देखो थोड़ी समय पहले बोल रहे थे ना आपका नाम सत्य है, कहाँ ले रहे आपका नाम, अगर आपका नाम सत्य है कहाँ ले रहे, देखो सब लोग मेरे पीछे भाग रहे, धन के पीछे भाग रहे। तो लक्ष्मी ये बताना चाह रही थी, संपूर्ण समाज जो है मेरे पीछे ही भागते हैं। तो फिर तो भगवान ने थोड़ा गंभीर हो गए, तो भगवान ने बोले, अच्छा लक्ष्मी आपने बताइए कितने लोग थे? ना पांचों लोग थे ना। अच्छा लक्ष्मी ये बताओ, जब चारों लोग तुम्हारी ओर भाग रहे, एक बंदा मुड़ के भी नहीं देख रहा तुम्हारी ओर, सोया हुआ है कि नहीं? ना हाँ है, क्यों बताओ बताओ क्या कारण है? लक्ष्मी की घमंड जो है चकनाचूर हो गया, कुछ बता नहीं पाई, तो माफी मांगने लगे हाथ जोड़ के, हे पतिदेव मेरा अहंकार हो गया था, मैं जानती हूँ मैं अहंकार की वशीभूत होते हुए बोल रही थी, संपूर्ण समाज मेरे पीछे भाग रहे, लेकिन आपका इस सवाल के जवाब मैं दे नहीं सकती हूँ। तो भगवान ने बोले, लक्ष्मी तब तक समाज तुम्हारे पीछे भाग सकता है जब तक मैं परमात्मा के रूप में उनकी हृदय में निवास करता हूँ। ये जो चारों तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं ना, मैं परमात्मा के रूप में उनके हृदय में निवास कर रहा हूँ, और जो सोया हुआ है मैं उनसे निकल चुका हूँ। लक्ष्मी संसार की असली जो ज्ञान जो है, असलियत जो है, असली सच्चाई जो है,
यही है, मैं वो जो व्यक्ति से निकल चुका हूँ और ये जो लोग भाग रहे हैं मैं उनके हृदय में निवास कर रहा हूँ। तो भगवान कहना चाह रहे थे तो हर व्यक्ति के हृदय में निवास कर रहा हूँ, जिस समय हृदय में मैं निवास कर रहा हूँ उसी समय थोड़ा पल, एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, दस मिनट, 24 घंटे के अंदर थोड़ा मेरे लिए देना चाहिए, नहीं तो जीवन बेकार है। कुछ भी नहीं लेके आए थे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। जितने सारे आपने कमाया, जितने सारे किया है बच्चे लोगों के लिए, कुछ भी किया, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, यहीं रह जाएगा। तो भगवान यही सिखा रहे हैं, जब तक जीवात्मा जीवित है थोड़े समय थोड़े पल भक्ति करना चाहिए। अगर आप भक्ति करेंगे परिवार का सबका उद्धार कर लेंगे, जैसे कि ध्रुव महाराज, शास्त्र में पन्न आता है ध्रुव महाराज उनके पूरे पीढ़ी को उद्धार किए, प्रहलाद महाराज उनकी पूरे पीढ़ी को उद्धार किए। तो जब ध्रुव महाराज के केस होता, सॉरी प्रहलाद महाराज का केस होता है, जब नरसिंहदेव प्रकट हो गए, जैसे नरसिंहदेव यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, हर जगह में नरसिंहदेव है, तो नरसिंहदेव आप देख रहे, तो नरसिंहदेव जब प्रकट हो गए प्रहलाद महाराज के सामने, तो क्या चाहिए बेटा बताओ। तो प्रहलाद जी बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पिताजी जो है बचपन से बहुत द्रोह किया है, बहुत पाप किया है आपके प्रति, मैं चाहता हूँ जो उनकी उद्धार कर दीजिए, बताएं। तो नरसिंहदेव बोलते हैं प्रहलाद तुम्हारे जैसे बच्चा, कोई तुम्हारे जैसे कोई भक्त रहेगा उसकी 21 स्पीड पिता के पक्ष में और 21 स्पीड ननियाल के पक्ष में उद्धार हो जाएगा अपने आप, सिर्फ थोड़ा बहुत भक्ति करने से। बोले 21 पीढ़ी, आप तो इस जन्म की बात बोल रहे हो, तुम्हारा पिताजी की 21 पीढ़ी, तुम्हारा माताजी की ननिहाल से 21 पीढ़ी, सबका उद्धार हो जाएगा भगवान की भक्ति करने से। तो आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रयास किए हैं, ये जो ठाकुर जी के प्रांगण में ये किए हैं। आप देखेंगे जैसे जन्माष्टमी वगैरह होता है यहाँ पे, बहुत मेगा फेस्टिवल होता है जन्माष्टमी में, मोर देन 4 लाख पीपल आर कमिंग, 4 लाख लोग आते हैं। क्यों आते हैं? भगवान का कृपा है, व्यक्ति कितना भी तरक्की करेगा, कुछ भी करेगा, भगवान की बिना सत्ता से वो कुछ नहीं कर सकता है। आप जानते हैं भारत की सबसे पहला जो महाकाशचारी जो कौन है, राकेश शर्मा जब महाकाश जा रहे थे, नासा से जा रहे थे, जब इंडिया छोड़ रहे थे उसको पूरा दंडवत प्रणाम किए, उनको पूछा गया तो आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है, इतना बड़ा डिग्री किया है, तो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, तो इतना करने के बावजूद अभी जो ये किया क्या आपने, ये जो दंडवत सोए के प्रणाम क्या किया है? ना मैंने प्रणाम किया, किसको कराया, क्यों किया, ना मेरे अंदर जो कुछ शक्ति है, जो कुछ सामर्थ्य है जिसके कारण मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से मेरे अंदर से जो प्रेरणा दे रहा है, जिसके माध्यम से मैं ये सफलता प्राप्त किया है, जिसके कारण मैं वो स्पिरिचुअल, आई एम बोर्न ऑन दैट स्पिरिचुअल एनर्जी, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं प्रणाम किया। साइंस से कितना भी तरक्की कर जाए, आप देखेंगे न्यूटन्स को भी पूछा गया था, तो आपने इतना बड़ा एटम बम निकाले, आप इतना सब कुछ किए है, आप बताइए तो ये शक्ति आपको से कहाँ से आया? उन्होंने वो भी बताया, वो भी सॉरी आइंस्टाइन, उन्होंने बताया। तो आइंस्टाइन ने बताया मैं ये जो परमाणु बम तैयार किया है, जिसको बनाया है, इसके पीछे रहस्य वही है, मुझे अंदर से कोई प्रेरणा दे रहा था, दैट स्पिरिचुअल एनर्जी वॉज प्रेजेंट इन साइड माई हार्ट, ही वॉज डायरेक्टिंग मी, आई वॉज जस्ट एक्टिंग। इसलिए विवेकानंद को पूछा गया था, तो आपने ये जो कुछ लोगों को आकर्षित करते हो इसके पीछे कारण क्या है? तो उन्होंने बोला तो वर्ल्ड इज स्टेज, लाइफ इज ड्रामा, मैन इज एक्टर, गॉड इज डायरेक्टर। गॉड जो है वो डायरेक्टर है, और मेरे जो जीवन जो है एक ड्रामा है, और ये पूरे धरती जो है रंगमंच है, और जो गॉड जो है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे डायरेक्टर है, तो वो डायरेक्टर कौन है ना, गॉड है, वो उनके निर्देश से मैं कार्य करता हूँ। एग्जैक्टली सेम बात अर्जुन को 5000 साल पहले भगवान ने बताए थे, वो 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को भी बताए थे भगवान, क्या है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नान कौंतेय जगत भी प्रेरित वर्तते, हे अर्जुन
मेरे निर्देश से पूरे ब्रह्मांड कार्य करता है, एक पत्ता भी एक तिनका भी नहीं हिल सकता है मेरे निर्देश से। तो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है मेरे निर्देश से हो रहा है। तो भगवान निचोड़ दे रहे मेरे प्रार्थना के माध्यम से, मेरे कीर्तन के माध्यम से आपका माता पिता को, आपका पूर्वजों को आप उद्धार कर सकते हैं। ये शास्त्र प्रमाण है। आप देखेंगे भागीरथी जिसके कारण धरती आए, धरती में गंगा जी आए, भागीरथी जी अपना जो 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तपस्या किए। किसको तपस्या किए? भगवान विष्णु को तपस्या किए। जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तभी फिर गंगा जी को परमिशन दिए, अब जाओ उनकी उद्धार करो। आप जो गंगा सागर देखते हैं वो गंगा सागर को लेके आए थे, गंगा जी को लेके आए थे भागीरथी। किसको तपस्या की? भगवान को तपस्या की, तो उनकी पूर्वजों की उद्धार के लिए। तो कहने के तात्पर्य क्या है? हमारा माता पिता की उद्धार, हमारा पूर्वजों की उद्धार हम कर सकते प्रभु के कीर्तन के माध्यम से। सुखदेव गोस्वामी संपूर्ण भागवत सुनाए। भागवत जो है 12 स्कंद में रचना किया गया है, 18,000 श्लोक 12 स्कंद में रचना किया गया है। 12 स्कंद की 13 अध्याय की 23 नंबर श्लोक की भागवत की निचोड़ है। उसी श्लोक को किस लिए सुनाए थे? ना सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए थे। परीक्षित महाराज के जीवन में 7 दिन था। दोस्तों हमारे भी जीवन में 7 दिन है, आप गिन लीजिए, सोमवार से लेकर रविवार 7 दिन ही है। आखिर ऐसी कोई भी एक दिन में हमारा शरीर छूट जाएगा? परीक्षित महाराज को तो ऑलरेडी पता चल गया था 7 दिन है, लेकिन हमको पता नहीं है, लेकिन इसी 7 दिन के अंदर ही हमारा छूट जाएगा। अब देखिए हम कुछ भी यूज करते हैं उसकी बिजली यूज करते हैं उसका बिल आ जाता है, पानी यूज करते हैं उसकी बिल आ जाता है। अब जो कुछ कमाई करते हैं इनकम टैक्स भरना पड़ता है 31 मार्च से, नहीं तो हम ईयर एंडिंग हम जानते हैं, अगर नहीं भरते हैं फिर आपको फाइन लग जाता है। लेकिन एक चीज़ ये सारा चीज़ हमारे के लिए, इसके लिए क्या होता है, हमारे लिए नोटिस आ जाता है, प्रीवियस नोटिस आ जाता है, आप इसी डेट में आपको भरना है, इस डेट में आपको बिजली पे पे करना है, राइट। लेकिन एक चीज़ नहीं आता, डेथ नेवर कम्स गिविंग प्रायर नोटिस, डेथ नेवर कम्स गिविंग प्रायर नोटिस। मृत्यु कभी पहले नोटिस दे के नहीं आएगा, कभी भी किसी वक्त हमारा देहांत हो सकता है, इसलिए तैयारी होना चाहिए हर समय। जिस प्रभु ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर माता पिता दिया है, इतना सुंदर घर दिया है, इतना सुंदर गाड़ी दिया है, सब कुछ व्यवस्था किया है, ऊपर से हवा रोशनी पानी की व्यवस्था किया है। आप देखिए आपने महीने में कितना टाइम यूज़ करते हैं, जैसे कि रात को बिजली तो रात को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, आप उसके लिए कितना बड़ा बड़ा बिल आता है, और दिन भर ये जो बिजली है सूर्यदेव की जो रोशनी है इसके लिए भरना पड़ता है? कुछ कुछ नहीं भरना पड़ता है। और जिस हवा की वजह से हमारा सांस चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्राण टिका हुआ है, उसके लिए हम कुछ पैसा भरना पड़ता है? कुछ नहीं, सब कुछ फ्री है। वो भगवान ने हमारे लिए हवा पानी रोशनी सब कुछ व्यवस्था किया है। आज ये ऑनर ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमारा कृतज्ञता भाव प्रकट करने के लिए, हमारा बर्थडे में हमको कोई भी कुछ दे देता है हम उसको थैंक यू बोल देते, छोटा सा पेन भी अगर कोई देता है, एक फूल भी दे देता है हम उसको थैंक यू बोलते। कभी हृदय से भगवान को हम थैंक यू बोले जो भगवान ने हमारे लिए सब कुछ किया है? तो ये थैंक यू जो कहने का तात्पर्य क्या है, थैंक यू के माध्यम से भगवान को हमारा दिल से हमको उनको प्रार्थना करना है। वो थैंक यू क्या है इस कलयुग में, सब लोग हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग सिर्फ नाम आधारा, तुलसीदास ने बोले, कलयुग सिर्फ नाम के ऊपर, और यही नाम भागवत की निचोड़ है। 12 स्कंद की 13 अध्याय की 23 नंबर श्लोक, ये श्लोक बोलते हुए सुखदेव गोस्वामी उठ के चले जाते हैं। नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामतं नमामि हरि परमम बोलते, नाम संकीर्तन जस्य, जिसकी नाम संकीर्तन के मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाएगा, जिसको प्रणाम करने से संसार की आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कष्ट नष्ट हो जाएगा। ओ भगवान कृष्ण की शरण में जाओ हे राजन, उसकी शरण में जाओ, उनकी चिंतन करो, वही तुमको इस संसार से उद्धार करेगा। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली है, सुदेश माता जी की ये जो शांति पाठ आपने मंदिर के प्रांगण में कराए, तो इसके सूरज प्रकाश जी, मनीष जी, दीपक जी और विक्रम जी, शिल्पा जी, मधुलेखा जी, नरित जी की, ये लोगों ने जो व्यवस्था किए है, तो बहुत बहुत भाग्यशाली है आप लोग, तो मंदिर के प्रांगण में ये कार्य किए है। और
मैं वादा करता हूँ जरूर ये कीर्तन और कथा के माध्यम से उनकी आत्मा की सदगति अपने यहाँ भी हो जाएगा। हरे कृष्णा। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे उनके परिवार वर्ग बोल सकते हैं। और सब लोग पुष्पांजलि हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे नविनेशयन्तम् वटाशपत्रं शकुटेशयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण विष्णु मधुकेटवाये भक्तानुकंपम भगवान आये। न्याय समापे सवलोकनाथम गोविंद दामो दरमादवेति। गोविंद दामो दरमादवेति। हे कृष्ण हे या दवे हे सकेति। आगंतु माताओं भाइयों बड़े बुजुर्गों, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर के एक दिग्वंत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बख्शी परिवार में ये जो क्षति हुई है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं इसे सहन करने की शक्ति प्रदान करें और ये जो दुख हुआ है उसे सहन करने की शक्ति प्रदान दे परमात्मा। एक छोटा सा भाव माँ के रूप में, जब मुझे आज पता चला कि माताजी स्वर्गवास हो गए और आज इस्कॉन मंदिर पे 3 से 4 बजे का कार्यक्रम पगड़ी रस्म का रखा हुआ है, तो मैंने बख्शी साहब को फ़ोन किया, कैसे हो गया ऐसा, बोला पता नहीं चला। उस दिग्वंत आत्मा को हम श्रद्धांजलि भाव से क्या दे सकते हैं। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है वो 8 पाउंड मान ली 2-2.5 किलो का होता है। कितने किलो का होता है? 2-2.5 किलो का। और जब हम लोग मृत आदमी को जला के आ जाते हैं, जब चौथे दिन जब फूल चुन के लेके आते हैं तो उसका वजन भी 2-2.5 किलो का ही होता है। कितना होता है? 2 से 2.5 किलो के बीच। अस्थियां जिसको बोलते हैं, ये अस्थियां जलती नहीं है, ये गंगा जी के अंदर गलती है। ये जलती नहीं है, ये गलती है। कोई मां अपने बच्चों को दुखी होने नहीं देती। कोई मां अपने बच्चों को दुखी होने नहीं देती। कोई माँ अपने बच्चों को कभी रोने नहीं देती। माँ पहले तो बच्चों को खिलौने दे करके रिझाती है, खिलौना फेंक दे बच्चे तो सीने से लगाती है। ना चाहे खेलना उनसे खिलौने माँ नहीं देती। कोई माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं होने देती। अंगारों की तरह बढ़ते सभी नादान होते हैं, तड़प उठती है माँ के बच्चे, माँ प्राण होते हैं। उठा ले गोद में उनको, खिलौने माँ नहीं देती। बड़े कितने भी हों
जाए मगर माँ के तो बच्चे हैं, ये वो ही जानती हैं कि वो झूठे हैं या सच्चे हैं। तभी तो बीज गुनाहों का उन्हें बोने नहीं देती, कोई माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं होने दे देती। दुआ माँ की काम आए दवा नाकाम होती है, बिगड़ जाए अगर बच्चे तो माँ बदनाम होती है। उठाए बोझ खुद उनका उन्हें धोने नहीं देती, कोई माँ अपने बच्चों को दुखी होने नहीं देती। मेरी प्यारी सी ममता मई माँ, मेरी प्यारी सी ममता मई माँ, याद तेरी सताया करेगी। मेरी प्यारी सी ममता मई माँ, याद तेरी सताया करेगी। देखे प्यारी दुलारी आवाज, कौन हमको बुलाया करेगी। गम जमाने कैसे कर भी, तूने हमको दुनिया का हर सुख दिया। ना गवारा था एक पल जुदाई, आज हमको जुदा क्यों किया। जब भी रोए माँ तूने हंसाया, जब भी रोए माँ तूने हंसाया, आज भी आके हंसाया करेगी। मेरी प्यारी सी ममता मई माँ, याद तेरी सताया करेगी। मेरी प्यारी सी ममता मई माँ, याद तेरी सताया करेगी। जानता हूँ ना आएगी तू माँ, जानता हूँ ना आएगी तू माँ, याद करके रोया करेंगे। तोड़ कर अपने हाथों निवाला, कौन हमको खिलाया करेगा। लोग नादान हैं तो ये कहते हैं, हमने भगवान देखा नहीं है। नहीं रहता किसी स्वर्ग में, माँ की मूरत में वही है। माँ की सेवा करो, उसकी पूजा करो, ये घड़ी फिर न आया करेगी। मेरी प्यारी सी ममता मई माँ, तेरी याद सताया करेगी। देखे प्यारी दुलारी सी आवाज को, कौन हमको बुलाया करेगी। मेरी प्यारा प्यारी सी ममता मई माँ, मेरी प्यारी सी ममता मई माँ, याद तेरी सताया करेगी। आज हम सब यहाँ हमारी मम्मी श्रीमती सुदेश बख्शी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। आज से 22 वर्ष पहले 99 में शादी के पश्चात मैं बख्शी परिवार के साथ जुड़ी। अगर मैं दो शब्दों में मम्मी का जीवन डिस्क्राइब कर सकती हूँ, वो शब्द होंगे सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट। सादगी से भरा जीवन और हर परिस्थिति में ठहराव, संतुष्टि, सादगी, बहुत ही डेडिकेशन, सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ उन्होंने अपनी परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करा। और उसी डेडिकेशन, सिंसियरिटी और डिवोशन के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इज्जत कमाई। उनको बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, एक टीचर होने का हमेशा गर्व था उनको। मम्मी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से कठिन परिस्थितियां आई, बहुत से ऐसे चैलेंजेस आए जो एक लेडी के लिए हैंडल करना शायद बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कभी नहीं डरी, कभी नहीं हारी, कभी नहीं झुकी। हर कदम पर हर चैलेंज को, हर चुनौती को एक्सेप्ट किया और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से उसको ओवरकम किया।
और मुस्कुराते हुए, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी शिकन के, एक योद्धा की तरह उस चीज पे विजय प्राप्त करी। कल जब उनका दाह संस्कार हो रहा था, मेरे हस्बैंड ने मम्मी के लिए एक वर्ड बोला कि हमारी मम्मी एक वॉरियर थी, वो सच्चे मायनों में एक योद्धा थी। उन्होंने इतनी हिम्मत, इतनी सिंसियरिटी, इतनी डिवोशन के साथ अपनी लाइफ के हर कदम के हर मुश्किल को पता नहीं किस तरीके से हैंडल करा कि वो कभी उनके लिए और उनके बच्चों के लिए मुश्किल हुआ ही नहीं। एक माँ के फॉर्म में अपने तीनों बेटों को उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश दी, इतने नेक और इतने अच्छे संस्कार दिए। मम्मी हमेशा बच्चों को यही कहती थी, ईमानदारी, सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना, और सभी बच्चों ने उनकी तन मन धन से बहुत सेवा करी। लेकिन छोटे बेटे विक्रम बख्शी और उनकी पत्नी आरती बख्शी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अंश मम्मी की सेवा में समर्पित किया, जिसके लिए सारा परिवार उनको बहुत आशीर्वाद देता है। मैं अगर मम्मी के लिए देवी वर्ड का यूज़ करूं, तो वो बिल्कुल सच्चे मायनों में एक देवी थी, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, मुस्कुराते हुए। एक इतनी शांत मुस्कुराहट उनके मुंह पर हमेशा होती थी कि अपना जीवन इतने सुंदर तरीके से बिता कर गईं। और ऐसी देवी को, ऐसी वीर स्त्री को हम सबका शत शत नमन। मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और मम्मी हम सबको अपना आशीर्वाद और अपना प्यार हमेशा देती रहे। हम सब बच्चों को, उनके तीन बेटे, तीन बहुएं, चार पोता पोती, हम सबको हमेशा अपने आशीर्वाद और प्यार की छत्र छाया में रखें। ओम शांति। इस एस्कॉन टेंपल दे विच जो कृष्ण भगवान का एक सुंदर स्थान, इंसान नू जीवन मरण का संदेश बहुत ही छोटे शब्दों दिंदा है, ते मैं आए शोकाकुल सारे परिवार सके संबंधी आदरणीय साढ़े पंडित जी सबनों नमस्कार करदा। तो सुदेश बख्शी जो उन्हें साढ़े सत्कारयोग भरजाई जी ने, उन्होंने उन्होंने देवी का शब्द दिता है। मैं पंजाबी च कंफर्टेबल थोड़ा बोल पावांगा। तो मैं भी 35 to 40 साल के करीब तकरीबन बचपन तो इस परिवार के नाल जुड़े हुए हैं। मनीष बख्शी, दीपक बख्शी, विक्रम बख्शी, ईवन इन्हां दे पिताजी सूर्य प्रकाश बख्शी, असी इन्हां दे जीवन तो इक्को ही सबक लिया है। जिस तरह इन्होंने अपना जीवन समाज नू बनाने वास्ते एक जो टीचर दे रूप में इन्होंने समर्पित किया, नाल ही इन्होंने अपना जीवन बहुत ही स्ट्रगल, बड़ा ही संघर्षमय जीवन इन्हों का रहा है। कि इंडिपेंडेंटली एक बीइंग लेडी इन्होंने तीन बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग नाल कीती। साड़ा भी बचपन इन्हां दे नाल ही गुजरिया, तकरीबन हर रोज़ मिलना इन्हां दे नाल, हर एक गल जो एक बच्चा अपनी माँ दे नाल शेयर करता है या एक माँ अपने बच्चे नाल शेयर करती है। तकरीबन मेरे वीर मनीष बख्शी ते दीपक बख्शी
विक्रम तो खैर काफ़ी छोटा सी, तो सब जानते हैं कि असी किस तरह बचपन बिताया। मेरे वीर संदीप इस्तर भी नाल आए ने इस श्रद्धांजलि सभा दे विच। सानू सिर्फ सबक एको ही मिलता है कि जीवन के हर एक पल से, चाहे जिन्ना भी मर्जी स्ट्रगल आ जाए, कोई भी वड्डी तो वड्डी कठिनाई आ जाए, कोई भी भारा समा आ जाए, अगर साड़ी विल पावर स्ट्रोंग है और सानू परमात्मा ते विश्वास है, तो असी अपने जो जीवन है या परिवार उन्हें संभालन दे विच सफल हो जाने। तो गुरबाणी का एक श्लोक है, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिन्ने नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरबाणी दे इस पवित्र शब्द श्लोक दे राही जीवन दा सार, जन्म तो मरण तक किस तरह जीवन नू सफल एक इंसान कर सकता है। बड़े ही बुद्धिजीवी साधु संप्रदाय या गुरु महाराज पीर पैगंबर औलिया, उन्हां दा जीवन दा इक्को ही मकसद है कि अपने एक्सपीरियंस दे नाल वो जीवन पूरे समुचे जीवन नू एक छोटे जिहे सार दे विच इंसान नू जो कलयुग दे लोग ने उन्हों दस जांदे ने कि असी किस तरह अपना जीवन सच्चाई ईमानदारी दे नाल व्यतीत करना है। उन्हां दा जाना भावें सानू दुख दिंदा है, पर खुशी दी गल यह हैगी कि उन्होंने अपने जीवन दे नाल जो फुलवाड़ी लगाई है बच्चों के रूप च, यह अज संसार उन्होंने ही किते नू, उन्हां दीआं मेरे ख्याल नाल दोनों या तीनों जिहड़ियां आंदियां डॉक्टर-इन-लॉ ने, वह भी टीचर ने, समाज नू पढ़ा के एक देश कौम नू अच्छी फसल दे रहे ने, यह खुशबू फैलती रहे। असी सिर्फ अपने उन्होंने बच्चे होने के नाते उन्हें जो शिक्षा दी है असी यही परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि उनका जीवन सफल होया है, उन्होंने परमात्मा अपने चरणा निवास दे। जिहड़े बच्चे ने सानू सारे ये शिक्षा है कि असी मिल के सारे परिवार को समाज को संसार को इसी तरह अच्छे जीवन का संदेश देिए। मैं सारे प्रणाम करता है, नमस्कार। श्री कृष्ण मंत्र विराजमान पंडित जी और यहाँ पे आई सारी संगत को शत प्रणाम। अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ, भाभी ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे शब्दों से उनके बारे में बता दिया है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटे भाई ने मम्मी के लिए हमारे लिए बहुत ही दिल से सेवा की, कुछ समय हमें भी मिला और उस थोड़े से समय में ही मम्मी ने हमें इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना कुछ दिया जिसको नहीं बता पाएंगे। और यहाँ पे सबसे बस एक ही अनुरोध है जो मैं चाहता हूँ, माँ बाप भगवान का रूप ही हैं और भगवान ही हैं, जैसे हम अपने बच्चों में अपनी जान देखते हैं ऐसे ही हमारे माँ बाप हैं। उनको प्यार करो, उनकी सेवा करो, उनको कुछ नहीं चाहिए। आदमी कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा हो, माँ बाप के लिए वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने माँ बाप को प्यार दो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको हमसे सिर्फ ये चाहिए। मम्मी की हंसी, मम्मी की तस्वीर ही अपने आप में शायद सब कुछ बता रही है। सच, मम्मी का जीवन तो वैसे बहुत कष्ट भरा रहा है, लेकिन कुछ तो उनके साथ परमात्मा की शक्ति थी जो इतनी बड़ी बड़ी फाइट वो लड़की है, और हम भी उसी फाइटर मम्मी के बच्चे हैं। आज हम जो भी हैं अपनी माँ की वजह से। मैं अपनी माँ को बस यही कहना चाहूँगा कि मम्मी कहीं नहीं गई है, हमारे बीच में है, और उनका प्यार, उनकी ब्लेसिंग हमेशा यूं ही मिलती रहेगी। बस एक रिक्वेस्ट सबसे यहीं बोलूँगा, माँ बाप को प्यार करो, उनकी इज्जत करो, उनके साथ समय बिताओ। भगवान कसम बहुत कुछ होते हैं वो, जब आप समय बिताते हैं, जो भी बिताते हैं, मैं समझ सकता हूँ विक्की को, आरती को, जो समय बिताता है जिसके साथ,
और हम तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हुआ क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, हम लोग फ्री थे, हम मैक्सिमम टाइम बिताते थे। तो एक ऐसी अटैचमेंट, एक ऐसी बॉन्डेशन हो गई थी कि उनके जाने का जो दुख है, ठीक है वो हमें लग रहा है कि नहीं है, बट मैं अभी फील कर रहा हूँ कि वो हैं और जब तक हम रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगी। ओम शांति। नमस्कार सबको, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं जान बोल ही नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक चीज बोलूंगी, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ। 17 साल मेरी शादी को हुए, 12 साल मुझे मम्मी की सेवा करने का मौका मिला, आज वो नहीं है। मेरी लाइफ में एक बहुत खालीपन है जो भर नहीं सकता कभी। बहुत कुछ सीखा मैंने मम्मी से, बहुत कुछ सीखा, वो चीज़ें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। एक बात ज़रूर बोलूँगी, मेरा बेटा बहुत अटैच था अपनी दादी से, बहुत अटैच है। उसने मुझे कल एक बात बोली, मैं बहुत दुखी थी, रो रही थी, उसने मुझे एक बात बोली कि मम्मा हमें रोना नहीं है, दादी हमारे साथ ही हैं, वो हमें देख रही हैं ऊपर से, अगर हम रोएंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी। आप सबसे हाथ जोड़ के बस यही मेरी कामना है कि दुखी ना हो। उनका जीवन बहुत अच्छा था, वॉरियर थी वो, बहुत अच्छे से उन्होंने अपना जीवन बिताया है, और अब हम ज़्यादा दुखी होके उनकी आत्मा को ज़्यादा कष्ट ना पहुँचाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो सब लोग दोबारा पुष्पांजलि अर्पण कर लीजिए, फिर प्रणाम कर लीजिए। हरे कृष्ण। पगड़ी रस्म का कार्यक्रम, जो पगड़ी लेके आए पगड़ी लेके आ रहे हैं आगे।
हेलो, जितने भी आए हुए सज्जन चाय पानी जरूर पी के जाएंगे।